पिकनिक मनाने जाते हैं कि भगवान की भक्ति करने जाते हैं? रोटी सूखी, वो घी की मटकी लेके भागे नामदेव जी, रुक जाओ रुक जाओ, मैं तो सूखी खा रहा था, आप चुपड़ के खाओ। माया के रूप को वर्णन किया, माया का स्वरूप क्या है? जहां भाव उत्पन्न होता है वही माया है। जो तुम्हें ईश्वर से पृथक मेरा बता दे कि मेरा है, यही माया है। जहां मेरे तेरे का भाव उत्पन्न होगा वही माया है। और माया का काम ही है जीव को दूर रखना भगवान से। ये माया हमें पार कैसे कर सकती है, माया से हम बचे कैसे? और वो एक उपाय है, मायापति के चरण पकड़ लो। कुछ भी नहीं है इस माया से ज्यादा प्रबल। अब आप लोग मुझे कर्म योग के बारे में उपदेश कीजिए। कैसे भक्त होते हैं? वृंदावन जाते हैं, ब्यार जी के दर्शन करते हैं, लस्सी पीते हैं, चाट पकौड़ा खाते और निकल जाते, ये भक्त हैं। बोलो, भक्त हैं? ये पिकनिक मनाने जाते हैं कि भगवान की भक्ति करने जाते हैं? भक्त किसे कहते हैं? कौन होते हैं भक्त? कितने भक्तों के नाम आप जानना चाहोगे? कितने भक्तों को आप जानते हो जिनकी कथाएं आपने सुनी है? आप सब जानते हो। नामदेव जी महाराज को थे सुने, एक स्वान उनकी थाली में से रोटी लेके भाग गया, रोटी सूखी, वो घी की मटकी लेके भागे नामदेव जी, रुक जाओ मैं तो सूखी खा रहा था, आप चुपड़ के खाओ। अरे महाराज, आपका कंठ बड़ा कोमल है, ये रोटी बड़ी कठोर है, चुभेगी, चुपड़ लो थोड़ा अच्छा लगेगा। स्वान के पीछे भाग रहे नामदेव, स्वान के पीछे। और स्वान में से नारायण प्रकट हो गए। आपने मुझे यहां भी पहचान लिया, भगवान ने शिकायत की कि आपने हमें यहां भी पहचान लिया। तो नारायण भगवान से, नामदेव जी कहते हैं विट्ठल से, कि आप नहीं हो, स्वान में नहीं हो, ऐसी वो जगह बता दो जहां आप नहीं हो। भक्त हर जगह परमात्मा का दर्शन करता है, भक्त भगवान के लिए क्या नहीं करता है। इसके पश्चात राजा के पुनः पूछने पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया के रूप को वर्णन किया, माया का स्वरूप क्या है। महाराज ने पूछा, महाराज माया का स्वरूप है क्या, माया को कैसे पहचाने, माया क्या है? अब सुनो ध्यान से, माया किसे कहते हैं? मेरा तेरा, तेरा मेरा। जहां भाव उत्पन्न होता है वही माया है। ये तेरा है, ये मेरा है। दिस इज योर्स, दिस इज माइन, यही माया है। और हम सब में है ये माया। जरूरी नहीं वो पैसे कोई माया कहेंगे, जरूरी नहीं कि वो भोजन कोई माया कहेंगे, जरूरी नहीं बेटा बेटी पति पत्नी माया, ना। अगर इस सॉल से मोह है, इसको मैं कह रहा हूं कि मेरी है, यही माया है। जो तुम्हें ईश्वर से पृथक मेरा बता दे कि मेरा है, यही माया है। मेरा कुछ नहीं है, राम जी ने कहा रामायण में, मैं और मोर तोरते माया, जीवस कीने जीव निकाया। ये मेरा तेरे वाली भावना ने ही पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले रखा है। घर घर में भाई भाई कैसे लड़ पड़ते हैं? बोलो, अगर भगवान की भक्ति करनी हो तो लड़ाई है ही नहीं, ये तेरा भी और मेरा भी है। भगवान के ऊपर दूसरी प्रकार से लड़ाई होती, मैं रोज पूजा करूं तुम ना करोगे, तुम आए ना है जी, और मोबाइल ये मेरा है, ये कोट मेरा है, ये जूते मेरे हैं,
ये तेरा नहीं, ये मेरा है। जहां मेरे तेरे का भाव उत्पन्न होगा वही माया है, और माया का काम ही है जीव को दूर रखना भगवान से। अब राजा ने प्रश्न किया चौथा, महाराज कृपा करके बताओ माया से पार जाने का कोई उपाय बता दो। अब ध्यान से सुनना, अगर ये माया इतनी प्रबल है तो इस माया से, अब मैंने पहले ही कहा था आज आपको कथा में कुछ मिले न मिले साधन संपन्नी बात जरूर मिलेंगी, साधन से संबंधित। इसलिए हर बार जो हम सुदामा जी का चरित्र सुनाते थे, हर बार जो और प्रसंग सुनाते थे, इस बार कट ऑफ करके आपके जीवन को किस तरफ कृष्ण की तरफ बढ़ना चाहिए उससे आप सीखिए। सबसे कठिन प्रश्न ही यह है कि माया से पार कैसे पाए। ये माया हमें पार कैसे कर सकती है, माया से हम बचें कैसे, कोई तो उपाय बताइए माया से बचने का। तो चौथे ऋषि योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया से पार जाने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया? माया से पार जाने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, और वो एक उपाय है मायापति के चरण पकड़ लो। भाई ऐसे समझो दो आदमी हैं और तुम्हें एक से बचना है। अगर एक से, जैसे तुम्हारी एक व्यक्ति से शत्रुता, उससे बचना है, तो उससे बचने के लिए उससे बड़े के पास जाओगे तभी ना बच पाओगे, उससे छोटे के पास चले जाओगे तो वाय ले डूबोगे तुम संग में, खुद तो मरोगे वो और मर जाएगा तुम्हारे संग में। तो बोले उससे बड़े के पास जाओ जो तुम्हारी रक्षा कर सके। इस संसार में माया से ज्यादा प्रबल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस माया से ज्यादा प्रबल। और उस माया से अगर बचना चाहते हो तो मायापति के चरण जब पकड़ लोगे तो तुम बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। मायापति ही माया से बचा सकते हैं और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान के ही श्री चरण पकड़ लिए तो वो बच गए, किसी का भी नाम उठा। विभीषण जी रावण के नगरी में रहते, लंका में रहते, तर गए कि बच गए कि फंस गए बताओ, बोलो कैसे बच गए हो? भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेकर, भगवान श्री राम की चरण शरण ग्रहण करके। ध्यान से सुने, भक्त का निवास कैसा होना चाहिए? रामायुध अंकित ग्रह सोवा बरनी न जाए, नव तुलस का वृंद तहां देख हरस कबीरा। एक भक्त का घर कैसा हो, अपने घर में तुलसी का बिरबा जरूर रखो, घर के बाहर कुत्तों से सावधान ये मत लिखवाओ, अपने भगवान का नाम लिखवाओ। जिस घर में भगवान का नाम लिखा रहता है, जिस घर में भगवान के नाम के श्लोक लिखे रहते हैं, जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता है,
उस घर में नेगेटिव एनर्जी कभी वास नहीं करती, पॉजिटिव एनर्जी भगवत कृपा भी वास करती है। आज देखो हमारे घरों में क्या क्या लिखा रहता है। आप देखो हमारे घर, पहले लोग घरों में रामायण की चौपाई लिखवाते थे, शुभ लाभ लिखवाते थे, भगवान के नाम के कुछ न कुछ पद इत्यादि लिखवाते थे। अब तो पता नहीं कहां चली गई ये परंपरा, कहां चली गई संस्कृति। तो विभीषण जी से हमको सीखना चाहिए, रावण की लंका में रह के विभीषण की भक्ति नहीं डिगी, और हम लोग अच्छे स्वतंत्र देश में रहकर भी अपने भगवान की भक्ति को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो हम में ही कमी है, ये निश्चित हम में ही कमी है। बोलो राधे राधे। पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने नारायण के नाम वाले पर ब्रह्म पर आत्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि की प्रार्थना की कि हे योगेश्वरो, अब आप लोग मुझे कर्म योग के बारे में उपदेश कीजिए, जिससे मैं शुद्ध होकर, कर्म क्या है, कर्म अकर्म और विकर्म, ध्यान से सुनिए, कर्म अकर्म और विकर्म, कृपा करके बताइए। कर्म को तीन भाषा में रखा गया है, यहां कर्म अकर्म और विकर्म। एक करने योग्य कर्म, एक न करने वाला कर्म, और तीसरे की परिभाषा तो और भी सुंदर है। आप दो पर ध्यान दें। एक कर्म ऐसा होता है जो मनुष्य का कल्याण कर देता है, करने योग्य कर्म, और एक न करने योग्य कर्म। आज का मनुष्य न करने वाले कर्म पर ज्यादा फोकस्ड है। आज के मनुष्य की पूरी, आप 90% लोगों के पास चले जाओ, जो नहीं करना चाहिए वही करना है। एक उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देता हूं, इससे उदाहरण से संबंधित एक कहानी देता हूं। आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में मांस खाने का प्रचलन बड़ी तेजी से चल रहा है। बोलो हां या ना। ये भारत की बात बता रहे हैं, जिस देश में लोग ऑलवेज बड़े प्रेम से शाकाहारी भोजन किया करते थे, उस देश में मांस भक्षण करने का विधान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुत्तों से प्रेम करने वाले लोग जीव जंतुओं की हत्या करके खाते हैं, तब उन्हें जानवरों के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। कई कई लाख के कुत्ते पालने वाले लोग कई जानवरों को किस तरीके से खा जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक बार एक राज्य में एक राजा ने, एक राज्य में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अन्न की कमी आ गई, तो अकाल जब पड़ गया, ध्यान से सुनना इस कहानी को, बहुत अच्छी है। तो राजा ने सभा बुलाई, सभी लोगों को बुलाया कि हमारे राज्य में अन्न की कमी है, और खजाने में भी ज्यादा, राजकोष में भी ज्यादा अन्न है नहीं, अगर हम सारा दे भी दें तो भी 10-15 दिन से ज्यादा कुछ नहीं होना। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे प्रजा के भोजन व्यवस्था जो है वो पूरी की कर सके, अन्न की जगह हम क्या खा सकते हैं। तो एक मंत्री ने बड़ी जल्दी से जवाब दिया, महाराज अपनी प्रजा को मांस खाने के लिए कहिए, मांस बहुत उपलब्ध हो जाएगा, इजीली उपलब्ध, सस्ता है, तमाम जंगली जानवर डोल रहे हैं, मार के खाएंगे, ये उपलब्ध है, बड़ा आसान भी है और सस्ता भी है,
और भी जो चमचे थे सबने हामी भर दिया, हाँ हाँ महाराज सही, ये बात ठीक है, अन्न नहीं मिल रहा तो कुछ तो खाएंगे। लेकिन देखा कि उस राजा के जो प्रधानमंत्री थे, प्रमुख मंत्री, वो चुप बैठे, वो नहीं बोले। राजा ने उनकी तरफ देखा और पूछा, आप चुप क्यों हैं? आप इनकी बात से सहमत नहीं? बोले महाराज, अभी सहमत असहमत की बात नहीं, मुझे कल तक का समय दीजिए, कल आकर मैं आंसर दूंगा। बोले ठीक है, कल इस पे डिस्कस करते। सभा स्थगित कर दी गई। शाम हुई, थोड़ा अंधेरा हुआ। वो जो प्रधानमंत्री थे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे जिसने कहा था मांस खाओ सस्ता है। उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे और उस व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया तो वो भी मंत्री था, सदन का बहुत बड़ा मंत्री था। तो उन्होंने कहा, अरे प्रधानमंत्री जी आप? बोले हाँ हम। अरे वाह वाह वाह, बोले आ गए। अरे बोले हम आने का समय नहीं है, बड़ा मुश्किल है, एक सुनो एक समस्या लेके आए। क्या? बोले शाम को अचानक से राजा जी का जो है स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। तब बोले राज्य वैद्य ने बताया है जो हष्ट पुष्ट आदमी हो और राजा के विशेष प्रिय हो, उसका 2 तोला मांस अगर राजा को दे दिया जाए तो राजा के प्राण बच जाए। और मुझे लगा कि आपसे ज्यादा प्रिय तो कोई है नहीं और आप हष्ट पुष्ट भी हैं, तो आपके हृदय का 2 तोला मांस चाहिए, बस मात्र 2 तोला। मेरा? आप विशेष प्रिय हैं राजा के। अब वो गड़बड़ाए, ना 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 ना, अरे अरे महाराज ऐसा मत करो, मेरे हृदय के तो मांस नहीं नहीं। बोले कि इसके ऐसे मत समझिए, आपको फ्री में कुछ नहीं है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में लेके आया हूं। ये आप रख लीजिए और कम लगे तो और खजाने से 2-4 करोड़